डार्क की तरफ से एक मॉलोटोव टॉस इन किया जाएगा। ये रैंडम मॉलोटोव अगर कनेक्ट होता है, मार्कोस गेमिंग कुड बी लीविंग द लॉबी एंड देयर इट कम्स, डार्क कम्स इन विद अ ब्यूटीफुल स्प्रे। यहां पे डार्क किया जाएगा सूर्या को उनके साथ-साथ, यहां पे उनके प्लेयर भी पीछे लेटे हुए हैं, उनको भी डाउन करेंगे डार्क विद रैंडम स्प्रेस एंड इट्स ऑल डाउन टू वन प्लेयर ऑन टीम मार्कोस गेमिंग। दैट्स ग्रूट एंड डार्क डज इट अगेन विद अ 1v3 अमेजिंग क्लच। डार्क गिव्स द चिकन डिनर टू हिज टीम। बेस्ट पोजीशन थी, किस तरीके से चैलेंज किया जाएगा गॉड लाइक, फिर से अपने आपको रिपोजिशन करके एक बेटर पोजीशन पे आ जाएंगे। एंड डार्क को देखिए प्रोन नजर आ रहे हैं, एग्जॉस्ट नीचे कुछ सारे प्लेयर्स हैं एंड ये अकेला प्लेयर पूरी की पूरी टीम के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। ही इज गोइंग फॉर इट, ही इज गोना कुक द ग्रेनेड। टॉस किया जाएगा, किधर किया जाएगा, दैट्स द मेन क्वेश्चन। क्या अच्छा नेड होगा? जी हां, हो सकता है। फाइनल बॉस, आखिरी प्लेयर मेरे को नजर आ रहे हैं फिलहाल के लिए अपनी टीम के पास, एक प्लेयर दूर है एंड वो यहां से निकलना चाहते हैं। एंड यस ही इज running away for his life to save his life and global esports ke dark ki taraf se ek bahut shandaar nade, two players out of the game. Okay, global esports try kar rahe hain yahan pe vexi ka pickup convert karne ka and yahan pe fierce ke dwara vexi ko down bhi kar diya gaya. Okay, fn is still not out the fight. Kahan pahuncha sakta hai ye is team ne hame dikhaya, ek achhi holding aapko kahan se kahan pahuncha sakte hai ye is team ne hame dikhaya. Yahan pe nigma versus global esports kitne zyada close hai, fight kab engage hogi, main is cheez ka wait kar raha hu. Ye lijiye ute to rack lock, lekin spot kiya damage pada and yahan pe khud hi down hoga iconic ke dwara. What a legendary काफी ज्यादा स्पेस, बहुत सारे जस्ट डाउन टू अ 2v3 बिटवीन ग्लोबल ईस्पोर्ट्स वर्सेस एनिग्मा, एनिग्मा विद दोस 10 फिनिशेस एंड ग्लोबल ईस्पोर्ट्स विद दोस 5। आखिरी प्लेयर बचते हैं, दैट्स गोना बी टफ, इट्स गोना बी हार्ड, लिटरली गोना बी हार्ड। यहां पे बात करें CG7 की तो कोशिश कर रहे हैं क्लोजिंग करने का, स्पॉट किया यहां पे एंड ये देखिए एक प्लेयर डाउन कर दिया गया डार्क के द्वारा। 1v1 पे इस फाइट को कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे लेकिन अभी यहां पे दो प्लेयर बचे हैं, 1v2 बचा है। Enigma just don't give that isolated 1v1 because अगर आप वहां पे isolated 1v1 देंगे तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी। दिया isolated 1v1, एक प्लेयर डाउन कर 1v1 का, क्या यहां पे फाइट निकाल पाएंगे? ओके ओके, इट वाज यहां पे व्हीकल से गिरा दिए गए, जल्दी बगी गए गॉड के, सी गॉड ट्रांसपोर्ट अपना बट अभी भी चार की चार टीम में सर्वाइव करी है। एक भी प्लेयर अगर आपका बचा है तो कहीं ना कहीं वो आपकी पूरी की पूरी टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है। यू नेवर नो, क्या पता वो आखिरी प्लेयर एक अच्छा क्लच ले जाए, एक अच्छा होल्ड ले जाए ना अपनी टीम को कहां से कहां पहुंचा दे। It's a 1v1v1v3 situation. Global Esports के पास Circle का center है. Punk आखरी player है. Takes down one Global Esports के Dark को. But Punk goes down with the play zone. Global Esports आखरी के दो players बचते हैं. And दो टीमें अभी भी हैं. Godlike की तरफ से हमको एक player Circle के बाहर नजर आ रहे हैं. And दोनों ही player in fact Circle के बाहर हैं. But Clutch God takes down at least one. उसको finish off जरूर कर दिया जाएगा final boss की तरफ से. But it's already the chicken for Global Esports. बार तो हाथ में दिया गया था बट अब की बार छीन लिया है ग्लोबल ईस्पोर्ट्स ने एंड लुक्स लाइक थग इनविटेशनल सीजन 3 की विनर हो सकती है बिकॉज दैट्स द सेकंड गेम इन द हैंड्स ऑफ टीम ग्लोबल ईस्पोर्ट्स। स्वागत है आप सभी का थग इनविटेशनल सीजन 3 में। ऊपर पायदान में थी तो बात करें यहाँ पे एक टीम ग्लोबल ईस्पोर्ट्स, काफी ज्यादा बढ़िया प्रदर्शन ग्लोबल ईस्पोर्ट्स की तरफ से। एंट्रेंस लेने की सर्कल में कोशिश जरूर है। 8 बिट के अक्षत को डाउन किया जाएगा एंड क्लाउनी डाइज टू द एक्सप्लोजन एज वेल। सो आई मीन ग्लोबल ईस्पोर्ट्स स्टिल डोमिनेटिंग विद 65 पॉइंट्स होल्ड करेंगे बिकॉज़ टीम 8 टीम बिकॉज़ टीम ग्लोबल ईस्पोर्ट्स के प्लेयर्स भी आ चुके हैं यहाँ पे जस्ट उस रिज के बगल में, देख चुके हैं स्पॉट कर चुके हैं, ग्रेड मारने की कोशिश क्या अराउंड द रिज यहाँ पे ग्रेड लगेगा ना, अगर लगे ये देखिए ग्रेड यहाँ पे आ चुका है सामने एंड यहाँ पे 8 डाउन जा चुके हैं। फियर्स का ग्रेड काफी ज्यादा बढ़िया लेकिन यहाँ पे 8 बिट अभी ग्रेड काफी बढ़िया था, दोनों ही साइड दोनों ही प्लेयर्स डाउन हुए हैं यहाँ पे। ग्लोबल ईस्पोर्ट्स की जो कंसिस्टेंसी है वो काफी अमेजिंग है। चलिए इस गेम में भी आपको भले चिकन नहीं मिला बट एटलीस्ट आपने टॉप 5 तक जगह अपनी सिक्योर करी थी एंड ग्लोबल ईस्पोर्ट्स डार्क के द्वारा सोनिक फॉक्स को भी डाउन किया गया था एंड फिनिश अप भी कन्वर्ट कर दिया, लेकिन अभी काफी ज्यादा बड़ा शॉक लग सकता है जब वो पिकअप आए लेकिन टीममेट बिट भी जस्ट पकड़े बैठी एंड ये देखिए डार्क के द्वारा इमॉर्टल को डाउन किया गया एंड फियर्स के द्वारा 8 बिट अक्षत को।
बिल्कुल, एंड ग्लोबल ई स्पोर्ट्स आई मीन दे आर लुकिंग सुपर्ब राइट नाउ, पोजीशन अच्छी है इनके, जस्ट नीचे से हमको एक टीम आती हुई नजर आने वाली है। देखिए आईएस के द्वारा यहां पे निग्मा के वैम्प बॉबी को डाउन कर दिया गया, एंड फियर्स यहां पे ग्रेनेड कर चुके हैं। ये ग्रेनेड एक डिसाइडिंग ग्रेनेड हो सकता है टीम रैम्पेज के लिए, बट नहीं, थोड़ा सा मिस ऑफ कर चुके हैं। मर्सी को डैमेज जरूर देंगे लेकिन पिकअप कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। फियर्स ऑन द अदर एंड निकलने को, ग्लोबल ई स्पोर्ट्स पूरे के पूरे तीन प्लेयर्स के साथ अलाइव नजर आ रही है। अगले 15 सेकंड में यह फाइट हमको होती हुई नजर आने वाली है। डार्क की तरफ से एक मोलोटोव टॉस इन किया जाएगा, ये रैंडम मोलोटोव अगर कनेक्ट होता है Marcos Gaming could be leaving the lobby and there it comes. Dark comes in with a beautiful spray. यहाँ पे डार्क किया जाएगा सूर्या को उनके साथ साथ, यहाँ पे उनके प्लेयर भी पीछे लेटे हुए हैं, उनको भी डाउन करेंगे डार्क with random sprays and it's all down to one player on team Marcos Gaming. That's Groot. Groot के ऊपर ढूंढने की कोशिश and Dark does it again with a 1v3 amazing clutch. Dark gives the chicken dinner to his team and what a play by, what was that play by Global Esports Dark? डार्क वॉज अ गाय जिन्होंने कल के गेम में भी एक 1v3 करके दिखाया था निग्मा के अगेंस्ट, एंड ये प्लेयर एक अलग लेवल सेट कर रहा है 1v3 1v4 मैचेस का कि हम अकेले ही काफी अपनी पूरी की पूरी टीम बचाने के लिए। ग्लोबल ईस्पोर्ट्स 15 फिनिश, मैं 14 कह रहा था, 15 फिनिश है हर्षदीप, 8-9 नहीं 24-25 पॉइंट्स नहीं 30 टोटल पॉइंट्स के साथ इस गेम में आगे बढ़े हैं।